हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जापान के बारे में, क्योंकि ये चीज़ सुनने में आ रही है और ये चीज़ माना जा रहा है कि जापान हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एंटर इनटू रिसेशन। मतलब जापान ऐसी पहली कंट्री है थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसने रिसेशन में एंटर कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडमिक। क्या उसका रीज़न सिर्फ कोरोना वायरस ही है या फिर कोई और भी रीजंस हैं जापान के रिसेशन में एंटर करने के लिए, तो उसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो शायद रिसेशन में एंटर कर जाएं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडमिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसेशन में जाने का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ रेट या इकोनॉमी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाए। जापान एक डेवलप्ड नेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इकोनॉमी सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाती रहेगी। ऐसा बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में है कि जीडीपी कभी कभार नीचे आ जाती है। और रिसेशन क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। रिसेशन एक वो फेज़ है जहाँ पे दो क्वार्टर्स के लिए, देखिए सबसे पहले तो क्वार्टर समझना पड़ेगा आपको। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसमें बेसिकली 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो किसी भी दो क्वार्टर्स में अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाए तो उसको हम रिसेशन स्टेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में चला गया या फर्स्ट क्वार्टर थर्ड, कंजेकटिव क्वार्टर्स में जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में चला गया, सेकंड और थर्ड में चला गया, थर्ड और फोर्थ में चला गया, फोर्थ या फर्स्ट क्वार्टर में चला गया, तो उसको हम ऐसा काउंट करते हैं कि ये कंजेकटिव क्वार्टर्स हैं। और इसमें अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जाए या नेगेटिव में जाए तो उसको हम एक रिसेशन का फेज कहते हैं। तो ये चीज़ किसी भी देश के लिए पॉसिबल है भी और नहीं भी है। देखिए, कंजेकटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव जाना किसी भी कंट्री के लिए वो चीज़ सही नहीं है और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान जापान पहला देश बना, देखिए इकोनॉमी के लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे जापान बहुत बड़ा है। 5 trillion dollars की इकोनॉमी है जापान की, तो बहुत बड़ा इकोनॉमी है बेसिकली जापान का और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वर्ल्ड में जापान। टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज जापान बहुत आगे है। देखिए आर्मी वाइज वो सब कुछ आपको पता होगा कि जापान के पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जापान इतना आगे है जितना शायद ही दुनिया में कोई और देश आगे होगा। तो उस पर्टिकुलर कंट्री का रिसेशन में जाना एक बहुत बड़े टेंशन का माहौल बन जाता है वर्ल्ड वाइड। तो अब एक चीज़ समझिए कि जापान इससे पहले कब रिसेशन में गया था। देखिए, जापान सबसे बड़ा रिसेशन जो जापान में हुआ था वो 2008 और 9 का रिसेशन हुआ था, जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन चला था, लेकिन जापान में बहुत ज़्यादा रिसेशन हो गया था उस टाइम पर। और उस रिसेशन से जापान अभी तक उभर भी नहीं पाया था कि 2020 में दोबारा रिसेशन में चला गया। 2015 में भी एक क्वार्टर में उनकी जीडीपी नेगेटिव में गई थी, लेकिन वो रिसेशन फेस नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक क्वार्टर में गई थी उनकी। तो एक चीज़ समझिए कि जापान 2008-09 के रिसेशन से स्टेबल नहीं हो पाया था अभी तक 2020 में, और फिर लगातार दो क्वार्टर्स में उसकी जीडीपी नेगेटिव में चली गई। सबसे पहले तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो उनका क्वार्टर था उसमें नेगेटिव में गई, और फिर जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में उनकी जीडीपी नेगेटिव में गई। तो ये बहुत बड़े रीजंस हैं कि वो रिसेशन में गया। अब मेन जो दो प्राइमरी रीजंस हैं, जी हाँ, एक रीज़न नहीं है, सिर्फ कोरोना वायरस एक रीज़न नहीं है उसका रिसेशन में जाने के लिए, दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कोरोना वायरस ही है, और दूसरा रीज़न ये है कि जापान की गवर्नमेंट ने 2% सेल्स टैक्स वहाँ पे बढ़ा दिया। अब ये बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है कि यार 2% सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, ऐसी सिचुएशन में जब पूरा वर्ल्ड इस पैंडमिक से लड़ रहा है तो आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। देखिए, आप उसको एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली के साथ। सेल्स टैक्स बढ़ाने के पीछे माइट भी गवर्नमेंट का ये रीज़न हो सकता है कि उनको रेवेन्यू बढ़ाना हो कंट्री में। इंडिया में भी तो शराब के ठेकों पे 70% तक का सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था, इसी तरीके से मे भी हो सकता है उन्होंने 2% बढ़ा दिया हो। पहले जो सेल्स टैक्स था जापान में वो 8% था, लेकिन अब उन्होंने 10% कर दिया है। तो ये मे भी एक रीज़न हो सकता है जो वर्ल्ड वाइड माना जा रहा है कि ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कैसे एक रीज़न बना उसका मैं आपको डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जापान बेसिकली दो तरीके से अपनी इनकम क्रिएट करता है। पहली इनकम उनकी आती है टूरिज्म से। अब आपको ये चीज़ पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री पिछले 4 महीनों से तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, तो जापान के पास टूरिज्म से तो कोई पैसा आ ही नहीं रहा है। और दूसरा है एक्सपोर्ट,
जापान अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, लेकिन यूरोप की खुद इतनी स्थिति खराब है कि वो इंपोर्ट करने की स्थिति में है ही नहीं। पहले अगर फॉर एग्जांपल $1 बिलियन का इंपोर्ट एक क्वार्टर में करते थे यूरोपियन कंट्रीज जापान से, तो अब शायद वो $10 मिलियन भी नहीं रह गए। तो इस वजह से जापान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया में जैसे कि 28 स्टेट्स हैं, ऐसे जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं। मतलब वहाँ पे स्टेट्स नहीं बोला जाता, वहाँ पे प्रीफेक्चर्स बोला जाता है। तो जापान में कभी लॉकडाउन की सिचुएशन आई ही नहीं। लॉकडाउन में सिर्फ एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है वहाँ के लोग। जापान के खुद के लोग इतने ज़्यादा डिसिप्लिनड हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी में ही इतने सारे नियम बना दिए और वहाँ के लोगों ने वो नियम फॉलो करे। करंट सिचुएशन में देखा जाए तो 47 प्रीफेक्चर्स के में से ऑलमोस्ट 39 प्रीफेक्चर्स पे से वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी हटा दी गई है, तब भी ये GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया। अब चार मेन आइलैंड्स हैं जापान में, उसमें टोटल 47 प्रीफेक्चर्स, 39 में से इनली स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट हो गया, तब भी नेगेटिव में चली गई। हाँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, GDP ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15 दिन में GDP एकदम से बदल जाएगा। क्वार्टरली GDP देखा जाता है। जो GDP पिछले 60 दिनों में नेगेटिव में जा रहा था, या उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रही थी, अगर आपने एक महीने पहले खोल भी दिया तो उससे ये नहीं है कि एकदम से हाई आ जाएगा तो GDP ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ पे GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन ये उठता है कि जापान इस पर्टिकुलर रिसेशन से कब बाहर निकल पाएगा। देखिए, हमारा ये मानना है और वर्ल्ड में ये माना जा रहा है कि जापान बहुत जल्दी इस रिसेशन से बाहर निकल जाएगा। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। देखिए, इंडिया में जैसे कि 20 लाख करोड़ का एक तरीके से राहत पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके पीछे देने का एक रीज़न था। उनको भी ये चीज़ एडवांस में पता है कि इंडिया का भी GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रहा है, तो उन्होंने वो राहत पैकेज दिया। सिमिलरली, जापान एकमात्र ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने 21.1% उनकी इकोनॉमी का एक राहत पैकेज अपने लोगों को वहाँ पे दिया। जापान की टोटल इकोनॉमी नियर अबाउट $5 ट्रिलियन की है या उससे भी ज़्यादा की है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का राहत पैकेज वहाँ पे जापानीज को दिया है। तो ये चीज़ समझिए कि उनकी फास्ट टेक्नोलॉजीज, उनके वहाँ पे जो लोग इतने मेहनती हैं और इतनी तेज पेस पे वो लोग काम करते हैं, और साथ में ये $1 ट्रिलियन, तो ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जापान डेफिनेटली इस रिसेशन से बाहर आ जाएगा। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि क्या इस रिसेशन का दूसरी कंट्रीज पे ही फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जापान के रिसेशन का दूसरी कंट्रीज पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जापान के रिसेशन से बेसिकली किसी और कंट्री पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर जापान जैसी कंट्री में रिसेशन आ सकता है तो यूरोपियन कंट्रीज पे एक रेड अलार्म बज रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कंट्रीज लाइक स्पेन, जर्मनी, इंडिया, इटली, ऐसी कंट्रीज डेफिनेटली रिसेशन में एंटर करने वाली है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि जब रिसेशन से जापान बाहर निकल जाए तब ये सब कंट्रीज रिसेशन में एंटर कर जाए, क्योंकि जब तक कोरोना वायरस पैंडेमिक कंट्रीज में कंट्रोल ही नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। इंडिया में आज इकॉनमी में भी ओपन अप कर रहे हैं, बट अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इकॉनमी ओपन अप करने से पॉजिटिव साइंस आएंगे या नेगेटिव साइंस आएंगे। तो शायद आप हमारी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं, जो मेरे कलीग हैं मिस्टर शिवम भारद्वाज, तो उन्होंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे इस इकॉनमी को रीओपन करने के लिए। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। साथ ही में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी से लेकर कि जापान में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बेसिकली रिसेशन से बाहर निकलने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और आज की डेट में बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज की बहुत कमी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, शेयर करने से कुछ नहीं होगा कि वो लोग भी एजुकेट होंगे, और मे बी हो सकता है जापानीज़ लोगों की तरह हम लोगों में एक डिसिप्लिन आ जाए। इंडिया में आज सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है जो डिसिप्लिन की कमी है। तो मे बी हो सकता है कि ये ऐसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से भी हमारे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और इंडियंस में डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए। तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब आने वाली वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, बहुत कुछ आपको नया पता लगने वाला है। एक मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, मैं चीट कर लेता हूँ थोड़ा सा,
कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं WHA की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो मिनट्स हुए थे, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या चाइना उस मीटिंग में जीत के आया है या हार के आया है। तो मे बी बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, गुड बाय, पीस।